दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। दोस्तों, बड़ी मेहनत से हमने यह वीडियो बनाया है, लेकिन उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो भी YouTube की इस दुनिया में ही कहीं खो जाएगा। लेकिन फिर भी जब तक हमारी बैटरी रहेगी, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और आशा करेंगे कि हम आपको अपने अगले भाग में भी देख पाएंगे। हमारे देश में एक ऐसा कुंड है जो दिखने में तो साधारण लगता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि जब भी एशियाई द्वीप में कोई प्राकृतिक आपदा घटने वाली होती है, तो इस कुंड का पानी खुद ब खुद बढ़ने लगता है। इस कुंड का पुराणों में नील कुंड के नाम से उल्लेख है, जबकि लोग आज इसे भीम कुंड के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस कुंड की गहराई नापने के लिए डिस्कवरी चैनल ने कोशिश करी, लेकिन वे इसकी गहराई का पता नहीं कर सके। भीमकुंड एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर से 77 किलोमीटर दूर बाजना गांव के पास है। ये एक ऐसा जलकुंड है जो वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का विषय है। ऊपर से देखने पर यह कुंड 50 से 75 मीटर चौड़ा दिखता है। रिसर्चर्स इस कुंड में कई बार गोताखोरी करवा चुके हैं, लेकिन इसकी गहराई आज तक कोई भी नहीं पा सका है। यह जलकुंड पहाड़ पर एक गुफा के अंदर है, जिसमें ऐसा कटाव है कि सूर्य की किरणें इसके कुंड में पानी पे पड़ती हैं, तब इस कुंड का पानी बहुत सारे रंगों में चमकने लगता है। आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान डूब कर मर जाता है, तो उसकी बॉडी पानी के ऊपर आ जाती है, लेकिन इस कुंड में डूबने वाले का मृत शरीर कभी भी ऊपर नहीं आता, बल्कि वह इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लोगों का कहना है कि जब भी कोई नेचुरल आपदा आने वाली होती है, तो कुंड का जलस्तर अपने आप बढ़ने लगता है, जिससे यहाँ के लोग प्राकृतिक आपदा का पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। नेपाल, गुजरात और उत्तराखंड में आए भूकंप के दौरान भी यहाँ का जलस्तर बढ़ा था। जब 2004 में सुनामी आई थी, तब उस दौरान इस कुंड में करीबन 15 मीटर ऊंची लहरें उठी थीं, जिसके बाद ही यह देश विदेश की मीडिया की सुर्खियों में आया। भीमकुंड की गहराई आज भी रहस्यमयी बनी हुई है। आज तक इसकी गहराई कोई भी नहीं नाप सका। लोगों ने कई तरीके से इसकी गहराई नापने की कोशिश करी, पर वह असफल रहे। माना जाता है कि यह कुंड जमीन के नीचे बहती तेज जलधारा के कारण बना है, लेकिन इसके बारे में आज तक कोई भी जियोलॉजिकल साइंटिस्ट यह नहीं पता लगा सका कि आखिर यह जलधारा का स्रोत क्या है। सुनामी के समय में लहरें उठने के बाद डिस्कवरी चैनल की पूरी टीम इसका रहस्य जानने आई थी। उसके गोताखोरों ने इस कुंड में गोता लगाया, तो वह लोग ना तो इसकी गहराई नाप पाए और ना ही सुनामी के समय यहाँ पर लहरें उठने का कारण। हालांकि उनको गहराई में कुछ विचित्र जलीय जीव और जंतु देखने को जरूर मिले थे। कहा जाता है कि जब गोताखोर इस कुंड में 80 फीट की गहराई के नीचे उतरे, तो उन्हें तेज जल की धाराएं बहती हुई मिली, जो उसे शायद किसी रहस्यमय नदी से जोड़ती हैं। डिस्कवरी चैनल ने बताया कि पानी की गहराई में दो कुंड हो सकते हैं, एक से पानी निकलता है और दूसरे में चला जाता है, जिसके कारण इसके नीचे तेज बहाव हमेशा बना हुआ रहता है। इसीलिए इस जलकुंड का जलस्तर भी कभी कम नहीं होता। एक बार भारतीय सेना के 9 गोताखोरों ने इसकी गहराई नापने का प्रयास किया था, लेकिन वह भी असफल रहे थे। यही नहीं, साल 1977 में जिला प्रशासन ने यहाँ पर 3 पंप लगाकर इसको खाली करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन महीने भर चले इस प्रोसेस में कुंड का पानी 1 इंच भी कम नहीं हुआ। पुराणों के अनुसार भीम कुंड का संबंध महाभारत काल से है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों के लिए सिर्फ जंगल और पहाड़ी ही आसरा हुआ करते थे। कई दिनों से कोई भी जल न मिलने के कारण एक दिन उनके पास मौजूद पानी खत्म हो गया। फिर एक पहाड़ पर पहुंचने के बाद द्रौपदी को प्यास लगी, तो उन्होंने पानी पीने की इच्छा जताई, लेकिन दूर दूर तक कोई भी जल स्रोत नहीं था।
फिर भीम ने अपनी गदा से प्रहार किया तो पहाड़ के बीच जमीन धस गई और फिर पानी की धार फूट गई। तब द्रौपदी सहित पांडवों ने पानी पिया। तभी से भीम द्वारा बनाए जाने के कारण ही इसका नाम भीम कुंड पड़ा। इस कुंड की खासियत है कि इस कुंड का पानी हमेशा साफ और नीले रंग का पारदर्शी दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसमें काफी गहराई तक की चीजें भी आसानी से नजर आ जाती हैं। कहा जाता है कि इसका पानी हिमालय की गुणवत्ता जितना शुद्ध है। लोग बोतलों में भरकर इसके जल को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस कुंड के नीचे क्या हो सकता है, जिसे दुनिया का आज हर बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी सुलझा नहीं पाया? आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों के पास हमारा वीडियो देखने के लिए समय नहीं होता है और आपको ऐसी ही रोचक जानकारियों का शौक भी है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऐसी ही जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और कुछ ऐसी जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं जिसका वीडियो बनाकर हम YouTube पर नहीं डाल सकते। तो दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट www.rahasyatvindia.com पर जाएं और ऐसी रोचक जानकारियों से अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रकृति की सुंदरता हम मनुष्य को अनंत काल से ही आकर्षित तो करती आई है, साथ ही हमें मंत्र मुग्ध भी कर देती है। ऐसा लगता है मानो इस प्रकृति की गोद में हम यूं ही सिमट जाएं। परंतु अगर कृत्रिम यानी नकली तरीके से सुंदरता भी हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो समझ जाइएगा कि कलाकार के पास भगवान तुल्य गुण है। क्योंकि इंसान को रिझाना कोई आसान काम नहीं है, और कृत्रिम तौर पर ही अनोखा गुण हमें वियतनाम के गोल्डन ब्रिज के तौर पर साफ साफ नजर आता है, जिसे आप अगर एक बार भी देख लें तो आपका दिल वहीं ठहर सा जाएगा और आप इसे देखने बार बार यहाँ पर आएंगे, क्योंकि एक बार में यहाँ का नजारा हम अपनी आंखों में बसा ही नहीं सकते। यूं तो वियतनाम में सैकड़ों प्राकृतिक जगह है जहाँ की सुंदरता हर किसी को अपने देश घूमने के लिए आमंत्रित करती है, और इस बार इसमें एक नई जगह भी जुड़ गई है। इसकी सुंदरता से प्रकृति की सुंदरता और भी ज्यादा निखर गई है। यह चीज है वियतनाम के गोल्डन ब्रिज की, जो अपनी खूबसूरती से लोगों को आकर्षित कर रही है। इस ब्रिज को देखने के लिए पर्यटक हजारों की संख्या में हर दिन वियतनाम आते हैं। इस वीडियो के जरिए आप इस पुल की विकराल ऊंचाई का अंदाजा लगा सकते हो, जहां से दूर तक सिर्फ प्रकृति और इसकी मनमोहक सुंदरता आपका दिल जीत लेती है। यह ब्रिज हाल ही में बीते हुए वर्ष 2018 के जून महीने में ही खुला है, और देखते ही देखते इस पुल की खूबसूरती को देखने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। यह खूबसूरत पुल मात्र दो हाथों पर ही टिका हुआ है। आर्किटेक्चर का यह कमाल धरती पर कम ही देखने को मिलता है। समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बने इस पुल पर खड़े होकर जब आप उत्साह से भरे हुए प्रकृति को इतने पास से देखते हैं, तो लगता ही नहीं कि आप इस दुनिया में हो। वैसे तो इस पुल का असली वियतनामी नाम काऊ वांग है, पर पूरी दुनिया इसे गोल्डन ब्रिज के नाम से ही जानती है। इस पुल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए इसके चारों तरफ एक खास प्रजाति के फूल भी लगाए गए हैं। यह फूल इतने ज्यादा दुर्लभ हैं कि धरती पर बेहद कम जगह ही उगते हैं, और इतने ही खूबसूरत हैं जितने की दुर्लभ। अगर आप वियतनाम में रह रहे हैं या वियतनाम घूमने जाने वाले हैं, तो इसे अपनी लिस्ट में शामिल जरूर कर लें, बिल्कुल भी आप पछताएंगे नहीं। आज का लाइक टारगेट है 4000 का, कृपया इसे पूरा करने में हमारी मदद करें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।
दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों के पास हमारा वीडियो देखने के लिए समय नहीं होता है और आपको ऐसी ही रोचक जानकारियों का शौक भी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऐसी ही जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और कुछ ऐसी जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं जिसका वीडियो बनाकर हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते। तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट www.rahasyatvindia.com पर जाएं और ऐसी रोचक जानकारियों से अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं।